गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग प्रश्न की एक श्रृंखलाओं को लगातार हल करते जा रहे हैं। लगातार आप बने रहिए इस चैनल में, और आपके आने वाले जो यूपीएससी का जो फियर है वो निरंतर सवालों के हल करने से कम जरूर हो जाएंगे। पूरी उम्मीद के साथ ये वीडियो आप देखिए, सुनिए, इंजॉय कीजिए। लेट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से प्रश्न है। बेवनाड लेक के बारे में पूछा जा रहा है। क्या बेवनाड लेक ये सबसे लंबा लेक है? भारत का सबसे लंबा लेक बेवनाड है। इट फॉर्म्स कुटनाड वेटलैंड, टोपोग्राफी ऑफ केरल। कुटनाड एक विशेष प्रकार का टोपोग्राफी है, जो मतलब समझ लीजिए कि जहाँ पर चावल की खेती जो होती है वो समुद्र तल से भी नीचे पर होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुटनाड। इंटायर लेक इज अबव द सी लेवल। दिस इज नॉट अबव द सी लेवल बट बिलो द सी लेवल। तो बिल्कुल एक और दो इज द करेक्ट आंसर। बेवनाड, जैसा कि मैंने बताया, ये सबसे लंबा, भारत की सबसे लंबी झील है। और ध्यान रहे, केरल का दूसरा नहीं, केरल का पहला, केरल का सबसे बड़ा झील है ये कुटनाड। एक राइस, कुटनाड को राइस बॉल ऑफ केरल बोलते हैं। राइस बॉल मतलब चावल का कटोरा, केरल का चावल का कटोरा कुटनाड को बोला जाता है। और हैज़ द लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया। और यह ऐसा जगह है जो भारत में सबसे, अगर नीचे अगर पूछा जाए कि कौन सा जगह है, कुटनाड है। हैज़ द लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दुनिया के कुछ गिने चुने जगहों में से एक है कुटनाड, जहाँ पर कल्टिवेशन यानी कृषि जो होती है वो बिलो द सी लेवल में होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुटनाड लाइज ऑन द सदर्न पोजिशन ऑफ बेवनाड, और ये बेवनाड जो झील है उसके जस्ट दक्षिण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैस। नो, दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या होता है? हरित गृह क्या है? देखिए, जो आप सूरज का प्रकाश देखते हैं वो शॉर्ट वेव्स आता है, धरती पर शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है, और धरती से टकराने के पश्चात जो टेरिटोरियल, या कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो लौटती भी किरणें होती हैं वो लॉन्ग वेव के रूप में जाती है। शॉर्ट वेव लेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन इंटर इनटू द ग्रीन हाउस गैस। ऑफकोर्स ये घुस जाता ही होगा, जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है इस प्रकार का कि इसमें सूरज से जो आने वाली शॉर्ट वेव लेंथ होती है वो प्रवेश कर जाती है। क्या लॉन्गर वेव लेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड, जो लॉन्गर वेव लेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जो धरती से वापस आती है, एंड प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस गैस कैन पास बैक आउट कंप्लीटली थ्रू द ग्लास। क्या ये पास हो जाता है ग्लास से, निकल के वापस चला जाता है स्पेस पे? नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू द ग्लास। किसी भी प्रकार का रेडिएशन इससे पास नहीं हो सकता है। ऐसा नो इंफ्रारेड रेडिएशन, तो पहला दूसरा नंबर तो गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, दूसरा छाट दीजिए। तो आंसर बी है, केवल केवल एक सही है, पास नहीं करता भाई। एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ वॉल, चारों तरफ दीवारें होती है। इसका रूफ जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, जैसे कि ग्लास से बना हो सकता है, प्लास्टिक से बना हो सकता है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली जो मिनिमम शॉर्ट वेव लेंथ होती है उसको आराम से पास करने देती है, प्रवेश करने देती है, उसके लिए वो वैध होती है। ठीक है, जबकि शॉर्टर मतलब लिखा हुआ ही है कि शॉर्टर वेव लेंथ, देखिए कितना अच्छा, देख लीजिए, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है जो सन से आ रहा है इंटर इनटू द ग्रीन हाउस गैस, वाइल लॉन्गर वेव लेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन दैट्स कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लास। और ये देखिए, जब इस पेड़ पौधे से टकरा कर वापस जब लौटती है तो उसको भागने का मौका नहीं मिलता, वहीं पर ट्रैप हो जाता है, और उससे वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो मतलब वहाँ पर उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो नर्सरी है, वो बहुत ही वेल डेवलप होता है। यही है ग्रीन हाउस। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू जेनेटिकल डिससिमिलर प्लांट्स वेराइटीज दैट कैन इवन बी फ्रॉम द सेम स्पीसीज। वो सेम स्पीसीज से भी हो सकते हैं डिससिमिलर प्लांट वेराइटीज। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन टेन टू हैव हायर यील्ड्स देन व्हाट ईदर पेरेंट कैन इंडिविजुअली गिव। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी GEAC अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ GM ऑर्गेनिज्म
एंड प्रोडक्शन और प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल बी आंसर सही है, हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। देखिए टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, सेम प्लांट नहीं, डिसिमिलर प्लांट वैराइटीज कैन इवन बी फ्रॉम द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज से भी हो सकता है। दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट आपस में क्रॉसिंग कराए जाते हैं, फर्स्ट जेनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग होगा फ्रॉम सच क्रोसेस टेन टू हैव हायर यील्ड्स व्हाट ईदर पेरेंट कैन इंडिविजुअली गिव्स। तो इस प्रकार जो पहला जनरेशन का जो पौधा होगा उसका जो यील्ड होगा वो बहुत ही बेहतर होगा जनरली ईदर पेरेंट्स से अगर आप ऐसा करते तो। सच हाइब्रिडेशन इज नॉट ईजी इन मस्टर्ड, मस्टर्ड में ये कठिन है क्योंकि मस्टर्ड में जो होता है ना वो फीमेल ऑर्गेन और मेल ऑर्गेन दोनों एक ही होता है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है तो उसमें किसी मतलब पोलिनेशन की कोई भूमिका नहीं है, पोलन की कोई भूमिका नहीं होती है। तो सिंपली बात है कि मस्टर्ड में यू नो अबाउट दैट बहुत फीमेल पिस्टिल्स, मेल स्टेमन, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है वो मतलब प्लांट में ही मौजूद होता है, सेल्फ पोलिनेटिंग होता है। सिंस द एग ऑफ वन प्लांट कैन नॉट बी फर्टिलाइज बाय द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर इट लिमिट्स द स्कोप फॉर डेवलपिंग हाइब्रिडाइज, तो ये हाइब्रिडेशन को रोक देता है तो से। लेकिन कॉटन में, मेज में, टमाटो में ये सब तो आसानी से हो सकता है, जहाँ पर कैन बी डन थ्रू द सिंपल इमैस्कुलेशन और फिजिकल रिमूवल ऑफ एंथर्स, तो या तो फिजिकली रूप से उसको उसके जो एंथर को हटा लिया जाता है और फिर आप किसी विधि से उसको आराम से मैस्कुलेशन करा सकते हैं। जेनेटिक जो अप्राइजल कमिटी होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, पूरी का पूरा दामोदा मतलब सारी जिम्मेदारियाँ जो होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी को दिया गया है, खास करके जिसका संबंध जीएम ऑर्गेनिज्म और जीएम प्रोडक्ट से हो, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। मतलब ओवरऑल जीएम से जुड़ी हुई मामलों को देखता कौन है, तो वो है जीईएसी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, सबको जानता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है पाकिस्तान में बहुत ही मतलब तेजी से गिरता जा रहा है, इसकी संख्या बहुत तेजी से गिरती जा रही है, पूरे विश्व में इसकी जनसंख्या मात्र 150 के आसपास है और वो भी भारत में 90% है, ठीक है, वो भी राजस्थान में है, तो जानते हैं ये स्टेट बर्ड है और आपको पता होना चाहिए क्रिटिकली इंजेंडर है, इंडेंजर्ड है, भारत में तो है ये है और पाकिस्तान में भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि वहाँ पर रैम्पेंट इसका हंटिंग हो रहा है। लगभग लगभग 150 जो 95% वर्ल्ड पॉपुलेशन है यहीं पर। सबसे बड़ी बात है कि कैप्टिंग ब्रीडिंग ऑफ गिब्स वाज टेकन अप इन द DNP थ्रू ए प्रोजेक्ट जो कि एग्जीक्यूटेड किया जा रहा है देहरादून वेस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा 2019 से। कंसर्ट दी फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी वीड, ये जो सी मतलब समझते हैं समुद्र और वीड मतलब झाड़ियाँ, तो समुद्र की जो झाड़ियाँ होती है, जंगल जो होते हैं, वो जो छोटे छोटे घास होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है मतलब ये काउंटलेस स्पीसीज मेराइन प्लांट्स एनर्जी के जैसा ही होता है कुछ। सी वीड्स आर डिट्रीमेंटल टू द ह्यूमन हेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ द सेम शुड बी अवॉइडेड, मतलब इसको खाना नहीं चाहिए, ये खाद्य योग्य नहीं है, ह्यूमन के लिए खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। सी वीड्स तो मतलब औषधि है, उसमें होता है, ये खाद्य पशुओं के रूप में खाद्य पदार्थ है पशुओं के लिए, दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली ओशियन वाटर, जी हाँ, ये सिर्फ ओशियन में नहीं बल्कि तालाब में भी मिलता है, नदियों में भी मिल सकता है, जहाँ बहता धारा ना होनी चाहिए। तो सी वीड इज ए कॉमन और मतलब इसे कॉमन बता सकते हैं कि एक ऐसा स्पीसीज जो मैराइन प्लांट्स हो, जैसे अलगी है जो ओशियन में और साथ साथ रिवर में, लेक में, पोंड में, वाटर बॉडीज में मिलता है। जैसे कि कुछ अगर बात करें सम सी वीड्स की, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंकटन जो मतलब एक तरह से सस्पेंडेड इन वाटर कॉलम, लटके होते हैं वाटर के कॉलम में, एंड प्रोवाइड द बेस, एक तरह से बेस सपोर्ट देते हैं किसको, मैराइन फूड चेन को। कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे जेंट लाइक कल्प, कैल्प, अगर कैल्प जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है और बहुत भारी मात्रा में जंगल की तरह होता है, ठीक है, एंड टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है कैल्प का, टावर लाइक लंबा लंबा होता है, अंडर रेड वुड्स
अंडर वाटर रेडवुड्स बोल सकते हैं आप उसको, जैसे कि रेडवुड्स का जंगल देखेंगे ना, तो उसी तरह रेडवुड अंडर वाटर रेडवुड्स फ्रॉम देयर रूट्स एट द बॉटम ऑफ द सी मोस्ट ऑफ द मीडियम साइज, लेकिन अधिकांश देखेंगे ना तो वो लगभग अलग मध्य आकार का होता है, इनका अलग अलग रंग होता है, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, एंड रेंडमली वास ऑन बीचेस, आप बीच में भी देख सकते हैं, एंड शोर लाइन जस्ट अबाउट एवरीवेयर. सी वीड इज चॉक फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स फाइबर, तो इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, तो ये कहीं ना कहीं उपयोगी है ही. कंसर्न द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ब्लू फ्लैग इज एन एक्सक्लूसिव इको लेबल, मतलब ये इको लेबल एक तरह से एक्सक्लूसिवली इको लेबल या सर्टिफिकेशन है जो कि कोस्टल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड एज ए बैजेज ऑफ द इन्वायरमेंटल ओनर, मतलब कोस्टल लोकेशन को सुरक्षित प्रदान, सुरक्षित एक तरह से मतलब आपने कहीं ना कहीं इसको बचाया है उसके कारण इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है. ब्लू फ्लैग एक्सक्लूसिवली इको लेबल, इको लेबल मतलब एक तरह से प्रदान करता है कि चलो ये जो तटीय इलाका है वो मतलब इको के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर माना जा सकता है. यहाँ कुछ गाइडलाइंस जो दिए गए थे ब्लू फ्लैग जो जारी करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको पूरा किया जा रहा है. तो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम एक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया जाता है, IUCN में इसकी सदा मदद करता है. जी नहीं, इट इज़ अवार्डेड फॉर बीच मैराइन या मैरियंस कहिए एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को भी मिलता है. तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा भी सही है, एक भी सही है, तो एक और तीन सही है. ब्लू फ्लैग एक एक्सक्लूसिव इको लेवल, एक इको लेवल है या फिर एक सर्टिफिकेट है दैट इज गिवन टू द कोस्टल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो कोस्टल लोकेशन में जो लोग हैं, जो चीज़ है, जो बीच है, उसको मिलता है पर्यावरण के सम्मान के लिए. आपने पर्यावरण का सम्मान किया, हम आपका सम्मान करेंगे. ब्लू फ्लैग एक ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं कोपेनहेगन स्थित है, डेनमार्क हेडक्वार्टर इसका है, उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एक नॉन प्रॉफिट जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के उद्देश्य से काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये मदद कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के SDG को पूरा करने में. अब मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू FEE ये फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी जो जो भी हो FEE इकोनॉमिक ब्लू फ्लैग इज वन द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज वॉलंट्री अवार्ड फॉर बीचेज, फॉर मैराइन, फॉर सस्टेनेबल बोस्टिंग बोटिंग टूरिज्म. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई ब्लू फ्लैग, अगर आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट आपके तटीय इलाकों को मिलना चाहिए तो उसके लिए कुछ स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस है. इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी, एसेसिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट, कुछ मतलब इसके कुछ मानदंड आपको पालन करना पड़ेगा, इसे थोड़ा मिल जाएगा. ब्लू फ्लैग का स्टार्ट हुआ था, शुरुआत इसकी 1987 में यूरोप से हुई थी और लगभग लगभग पूरे विश्व में अगर देखिएगा तो लगभग लगभग 5042 बीचेज हैं, कुछ मरीनाज है, कुछ टूरिज्म बोट्स है जिसको ब्लू फ्लैग मिल चुका है. पूरे विश्व के 48 कंट्रीज में शामिल है अब तक. मरीना इज ए स्मॉल हार्बर होता है, मतलब एक बंदरगाह, छोटा मरीना मतलब एक मरीना मतलब एक छोटा सा बंदरगाह जहाँ मेनली प्लेजर बोट छोटे छोटे बोट याक डॉक यार्ड में लगे होते हैं. सर्टिफिकेशन इज गिवन बाय द इंटरनेशनल ज्यूरी, एक ज्यूरी है इसका जिसमें कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के सदस्य होते हैं, UNWTO के कुछ मेंबर होते हैं उसमें, IUCN के कुछ मेंबर होते हैं, FEE तो है ही है लेकिन उसके अलावा इसको IUCN, UNEP, UNWTO मतलब एक तरह से क्या करता है उसका एक ज्यूरी बनाता है. अकेले करेगा तो फिर तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. कंसर्न द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज एंड लोकेशन. कडमट बीच, कोवालम बीच, राधानगर और रुशिकोंडा. सबसे पहली बात रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, कोवालम बीच आपको पता होगा कहाँ पर होना चाहिए, तमिलनाडु में है ही नहीं, तो आप चार को छाट दीजिए. चार को छाट दिए तो दो तीन आपका आंसर मिल गया, दो और तीन सही है, करेक्टली मैच है, चार गलत है. कुछ रुशिकोंडा तो आंध्र प्रदेश में जो नया बीच है उसको अभी इको लेवल, एक तो है मिनिकॉय थुंडिम बीच
मिनिकॉय थुंडी बीच और कडमट बीच दोनों लक्षद्वीप में है। मिनिकॉय थुंडी और कडमट दोनों बीच लक्षद्वीप में है। इसके अलावा और भी 10 नए बीचेज हैं, मतलब बहुत लंबे समय से इसको FEE के तहत ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। एक शिवराजपुर है गुजरात में, जिसको गुजरात का जो देवभूमि है द्वारिका में पड़ता है, जिसका नाम है शिवराजपुरी। दूसरा है घोला बीच, दीव में है, दमन दीव में घोला बीच, कासरगोड और पुडुबिडिरी या उडुपी बोली है, कासरगोड और उडुपी कर्नाटक में पड़ेगा। कापाड़ ये केरल में है, कापाड़। ईडन बीच पुडुचेरी में है, कोवालम बीच तमिलनाडु में है, रुषिकोंडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच पुरी में है, राधानगर सौराष्ट्रद्वीप अंडमान में है। अब हम लोग स्कीम की बात करेंगे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के बारे में पूछा जा रहा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत आता है? ये सोच रहे हैं आपको CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के आता है? तो जी नहीं, किसके तहत आता है तो अभी को बताया जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन ये आपको सोचना है थोड़ा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड 1945, इंटरस्टेट वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलेटर फॉर रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल इन अ कंट्री, किसी भी नए ड्रग्स का भारत में प्रवेश हो, उसका ट्रायल हो, कुछ निश्चित मानदंड स्थापित किया जाना हो, पूरा का पूरा जो जिम्मेवारी है इसी के पास है, यही एक सेंट्रल अथॉरिटी या CDSCO। तो जी हाँ, सोचिए पहला वाला आप छोड़ दीजिए, दूसरा के साथ चल जाइए, दो और तीन के साथ, क्योंकि आपको पता हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, उसी के तहत ये वे CDSCO काम करता है, और एक तरह से एक नेशनल रेगुलेटरी ऑथरिटी है राष्ट्रीय स्तर पर, दवाइयों का मैनेजमेंट, दवाइयों का प्रवेश, उसका मतलब टेस्टिंग, ठीक है। अलाओ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1940 का तहत उसको स्थापित, और इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं जो ये मतलब एक तरह से उसको पावर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप मतलब पूरे भारत और राज्य स्तर पर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का रेगुलेट करें, उसको ध्यान से उसका जांच पड़ताल करें, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। देखिए ध्यान रहे, मैन्युफैक्चर की बात हो, सेल की बात हो और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, ये पूरी तरह से स्टेट अथॉरिटी के पास होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किसका, बनाने का बाद, बेचने का बाद और डिस्ट्रीब्यूशन का बाद, ये जो छोटे मोटे काम है ये राज्य के पावर है। जबकि आपको ध्यान रखना होगा, बना तो लिए आप, बेचने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसी भी नया ड्रग्स का अगर निर्माण राज्य कर रही है उस ड्रग्स को सेल करने से पहले अप्रूवल तो चाहिए, और ये अप्रूवल उसके उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल, उसका कुछ इसके मानदंड, क्वालिटी कंट्रोल, इस सब के सब कौन करेगा, सेंट्रल करेगा, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी करेगा, ठीक है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के बीच। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्तर पर डैमों का जो निर्माण हो रहा है उसमें जो खतरनाक अभी मतलब मुद्दाएं उठ रही है, देखिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है मेंटेन करना स्टैंडर्ड डैम के लिए क्या मानक होना चाहिए, उसके संभावित जो डिजास्टर होंगे उसके लिए क्या काम किया गया है, इसके लिए
और मान के चलिए कि ऐसा कि जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द डैम दैट इज लोकेटेड इन वन स्टेट एंड वन बाय अनदर, और भैया जो नेशनल स्तर पे जो बनाया गया नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, उसका काम ये भी है कि अगर कोई डैम किसी राज्य में बना है लेकिन उसका ओनर कोई और है, तो उसके बीच एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से मिसमैच ना उत्पन्न हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, तो दोनों का दोनों सही है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विच सीक्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू डैम सेफ्टी, प्रिवेंट डैम रिलेटेड डिजास्टर, रिजॉल्व इंटर स्टेट इशू इन दिस रिगार्ड, सब के सब पावर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पास है। डैम नेशनल जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है विल लेज स्टेट लेवल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनर्स ऑफ द डैम फॉर स्टैंडर्डाइजिंग सेफ्टी रिलेटेड डेटा प्रैक्टिस। ये अथॉरिटी है ना, वो किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, इसके लिए हेडेड एक चेयरमैन होता है और उसको मदद करने के लिए 5 और सदस्य होते हैं, पॉलिसी और रिसर्च का, टेक्निकल का, रेगुलेशन का, डिजास्टर का, रेजिलियंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का, सब कोई मिल के मदद करता है। ओवरऑल समझ लीजिए इस अथॉरिटी का काम क्या करना है, जो डिस्प्यूट होगा उसका रेजुलेशन भी करता है ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेटों के बीच उसके ओनर को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करना। डैम सेफ्टी एक्ट एम्पावर्स द बॉडी, ये जो डैम सेफ्टी एक्ट बनाया गया है जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को पावर देता है, इम्पावर करता है टू परफॉर्म ए रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेक्सट, बिकॉज NDSA अज्यूम्स रोल ऑफ SDSCO फॉर ए डैम लोकेटेड इन वन स्टेट एंड वन बाय अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्री बिजनेस कंसोर्टियम के बारे में, ये जो स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है अग्री बिजनेस कंसोर्टियम। एक तो पूरा भारत स्तर पे ई नेम को एक तरह से कहीं ना कहीं प्रमोट करना, इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए ई नेम, यू नो अबाउट दैट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पूरे भारत में कैसे विस्तार हो, इम्प्लीमेंट कैसे हो, काम कैसे करे, फैसिलिट अग्री बिजनेस वेंचर बाय कैटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट निवेश कैसे इसमें घुसे, उसके लिए भी साफेक को मतलब सोचा गया है। हेल्प द फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, इसको मतलब मदद करना, उनके विकास में सहायक बनना, सबके सब काम करना, यही सब है। भारत सरकार ने स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम की स्थापना एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी के रूप में किया था, ताकि अग्री बिजनेस वेंचर को प्रोमोट किया जा सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचकर वेंचर कैपिटल असिस्टेंट दिया जा सके स्कीम में। इस यो जो स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम एक ऑटोनोमस सोसाइटी प्रोमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आता है। इसका गठन जो है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक 1860 है उसके तहत किया गया है। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए रोल ऑफ स्टेट SFSEs इज टू अग्रेसिवली, जो राज्य में स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम है उसका पूरा तरह से अहम रोल है कि अग्रेसिव दृष्टिकोण से, अग्रेसिव प्रमोट किया है किसको, अग्री बिजनेस प्रोजेक्ट को इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने अपने राज्यों में। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो सकता है मेंस में पूछ ले यही क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ SFSE। तो प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल अग्री बिजनेस थ्रू द वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर पब्लिक कैपिटल फंड को मतलब आकर्षित किया जाए। हेल्पिंग फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs की स्थापना, उसके विकास में एक तरह से सहायक बने। इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज
ऑफ एफपीओस, वर्किंग कैपिटल उसका जो कार्यशील पूंजी है कहाँ से आएगा एफपीओस का, तो उसमें उसको मदद करना या फिर कहीं ना कहीं उसको अवेलेबल करा देना, कहीं से उसको गारंटी लोन मिल जाए, इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत उसको प्रवेश कराना, उसको मदद करना, पूरे भारत में नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको इम्प्लीमेंट कराना, सब काम है उसके बाद। एफपीओ के बारे में सवाल पूछा जाएगा, एफपीओ के बारे में सोचिए, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मार्क गॉट ए मैंडेटरी स्टेटस ओनली आफ्टर फूड सेफ्टी। एफपीओ मार्क है वो इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ये फूड ये चीज़ अलग है, वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हुई है। एफपीओ मार्क इज मतलब एक इको लेवल है, समझिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसको मैंडेटरी कर दिया गया स्टेटस का। इंडिया ऑर्गेनिक इज ए सर्टिफिकेशन मार्क, इंडिया ऑर्गेनिक भी एक सर्टिफिकेशन मार्क है फॉर ऑर्गेनिकली फार्म फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। दोनों एफपीओ मार्क और इंडिया ऑर्गेनिक मार्क ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के तहत आता है क्या? एक और दो तो बिल्कुल सही है, तीसरा सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं भैया, ये जो मार्क है वो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मिलता है। एफपीओ मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में बेचे जा रहे हैं, चाहे पैकेज फ्रूट बीवरेज ही क्यों ना हो, जैसे माजा मिरिंडा, अगर आप इसको पी रहे हैं तो उसमें एफपीओ मार्क अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि वो फ्रूट से बना हुआ है, जूस, जैम, अलग अलग प्रकार का अचार, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट्स, मुरब्बा, आप खाते हैं ना सब, तो इसमें सब में एफपीओ मार्क अनिवार्य है। इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन कौन करता है? इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है इसके लिए। स्टैंडर्ड्स हैव बीन फोर्स इन सिंस 1955 और ये स्टैंडर्ड 1955 से ही लागू है, और उसके लिए कुछ अलग ही रूल था, उसका नाम था लॉ ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। हालांकि उसका बाद में नाम बदल दिया गया, नाम से कोई लेना नहीं है, बट ओवरऑल उसका मकसद समझिए, मकसद यही है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं खास करके फलों से बने हुए, उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है, एक मानक होना जरूरी है, कितनी उसकी क्वांटिटी क्या है, कंटेंट क्या है, इसका सही जानकारी के लिए एफपीओ मार्क अनिवार्य है, ठीक है, इसे मैंडेटरी स्टेटस, हालांकि पहले ये मैंडेटरी नहीं था लेकिन 2006 के बाद इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा। अब बात करें इंडिया ऑर्गेनिक, देखिए इंडिया ऑर्गेनिक भी एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि खास करके नाम से स्पष्ट है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिकली जो फार्मर फूड प्रोडक्ट है जो कि भारत में बन रहा है, जो भी फार्मर फूड प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिकली रूप से बनाया गया हो, ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट हो, उसका भी मार्केशन करना बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेशन करना। तो सर्टिफिकेशन इज इशू बाय टेस्टिंग एजेंसी, टेस्टिंग सेंटर, एक्रीडिटेड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके लिए अपीडा बनाया गया, अपीडा अक्रीडिशन, ठीक है, अथॉरिटी है अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफसीआई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एफसीआई के बारे में, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एफसीआई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आता है। इट मेंटेन्स ए सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल। इट रेगुलेट्स द मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू अ कंज्यूमर एट अ रिलायबल प्राइस, मतलब कंज्यूमर को एक वह कीमत पर वस्तु मिल पाए जिसके लिए वो मतलब उसको बियर कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि चावल का बाजार में मार्केटिंग में शॉर्ट हो गया तो फिर चावल की कीमत आसमान चली जाएगी, तो गरीब व्यक्ति खाया कैसे? तो भूख से बचाने के लिए, कुपोषण को सुरक्षित करने के लिए, कहीं ना कहीं ये कुपोषण को दूर करने के लिए, और ये सेचुरिटी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत नहीं आता है, ठीक है।
ये फूड सेफ्टी इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इज दी नोडल बॉडी, ध्यान रखिएगा ये बात। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है और ये एक वैधानिक बॉडी है। ध्यान रही, इट इज ए लीगल बॉडी, इट इज ए स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओवरऑल मकसद तो जानते ही हैं, फिर भी सुन लीजिए। इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्टेड ऑफ द पुअर फार्मर्स, किसानों के हितों की, जो गरीब किसान है जो खेती कर रहे हैं, जो किसान जिनको ये कम से कम एक सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बेकार नहीं चला जाएगा, एक मिनिमम प्राइस तो मिलेगा हमको। दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री, आप देख रहे हैं 85 करोड़ लोगों को या तो अंत्योदय अन्न योजना या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो चल रहा था, योजना FCA के तहत फूड FCI देता है ना पैसा, खाद 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, पढ़े होंगे आप, 3 रुपया चावल, 2 रुपया गेहूँ, 1 रुपया सूखे, मतलब क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। एक तो बिलो द पॉवर्टी लाइन में लोगों को मिलता है और एक होता है 35 kg, तो अब मिलता ही ना है, आपको पता ही होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, यही FCI करते हैं। मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशनल बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को बल देने के लिए एक बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। इतना खाना, इतना फूड होना चाहिए हमारे देश में। रेगुलेट मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द कंज्यूमर एट अ रिलायबल प्राइस, एक मतलब उचित कीमत पर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक उचित कीमत पर उपभोक्ताओं को फूड ग्रेन मिल सके, खाद्य उत्पादन तो उनके हाथ में आए। इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी टू अंडरटेक, अगर इसका प्राइमरी ड्यूटी देखा जाए तो परचेज करना, क्राई करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड सेल फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड स्टफ्स। कंसिडर द फूड स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अपराइजल कमिटी, GEAC के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अपराइजल कमिटी फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला स्टेटमेंट सोच लीजिए, GEC किस मंत्रालय के तहत काम करता है या किस मंत्रालय के अधीन है। दूसरा है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल ऑफ हजारस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एंगल। GEAC हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, पहला बताइए, पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल एजेंसी, इट इज़ दी इसके तहत, इसके ही अधीन काम करता है, अंडर विच GEAC फंक्शन। ओके, जैसा कि इसके लिए एक रूल बनाया गया 1989 का, इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ए लार्ज स्केल यूज ऑफ हजारस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत ही खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, उन पर रिसर्च करके कुछ ना कुछ तो आप बनाते रहते हैं, तो उसके लिए अप्रूवल तो चाहिए। अप्रूवल कहाँ से मिलेगा, ये अप्रूवल GEAC देगी। आपने कोई GM क्रॉप बना दिया, GM बैगन, GM कॉटन सुनते ही रहते होंगे आप, हमेशा न्यूज में रहता हुआ, तो इसका अनुमति कौन दे रहा है? क्या आपने आज उठा रात को कोई GM क्रॉप बना के या GM पशु पशु में आपने कुछ फ्यूजन कर दिया, उसके DNA में मिक्सिंग कर दी कुछ, मतलब ओवरऑल समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा हूँ। द कमिटी इज ऑल्सो ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ प्रोपोजल रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म।
या तो कुछ जीव का उत्पादन हो रहा हो, कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा हो जो इन्वायरमेंट को लिए, इन्वायरमेंटल के लिए कुछ संवेदनशील हो, इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स। आप किसी पशु पे आप मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जेनेटिक रूप से, जीएम के दृष्टिकोण से, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि उठे और किसी कुत्ता पे प्रयोग करने लगे, इसके लिए जीईएसी है। तो जीईएसी इज चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अपना अपना डिपार्टमेंट का उसका एक सचिव, अपर सचिव, एडिशनल सचिव होता है ना, तो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी जो होता है वो इसका हेड होता है, और इसका को चेयर जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो उसको को चेयर करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, मार्केट में हस्तक्षेप करना क्यों करती है भारत सरकार। मार्केट में इंटरवेंशन होना जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड हो चुका है, प्राइसों की कीमत बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, कभी फ्लक्चुएट कर सकता है। दूसरा बात, ई कॉमर्स मार्केट इतना डेवलप कर चुका है तो छोटे छोटे जो घरेलू हमारे जो विक्रेता है उनके हितों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे इस मल्टीनेशनल कंपनीज के आड़ में। तो सोचिए, तो मार्केट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, तो इसी के संबंध में एक स्कीम आया है जिसको मिस कहते हैं हम लोग, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ या फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी विच आर पेरिसेबल इन नेचर। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन देयर इज एटलीस्ट 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन और 10% डिक्रीज इन रूलिंग रेट्स ओवर द प्रीवियस नॉर्मल ईयर। या तो उत्पादन 10% बढ़ गया हो या फिर उसकी कीमत में 10% गिरावट आ गई हो पिछले साल की तुलना में, तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट या यूटी गवर्नमेंट विच इज रेडी टू बियर लॉस इफ एनी इनकर्ड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी इस प्रोग्राम को लॉन्च कर मतलब अगर लागू करने में जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है, उस खर्चा को अगर स्टेट और यूटी बर्डन करने के लिए रेडी है, एक निश्चित सीमा है 50%, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नहीं है, और यू नॉर्थ ईस्ट के लिए 30%, अगर वो बियर करने के लिए रेडी है तो फिर सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करेगी और बचाएगी उन लोगों को जो इस प्रकार के प्रोडक्शन में शामिल हैं, जो चाहते हैं कि उनका मतलब, देखो खास करके एमएसपी तो है ही, लेकिन एमएसपी के अलावा क्या है, क्योंकि सब चीज़ तो एमएसपी के कैटेगरी में नहीं आता है। हॉर्टिकल्चर सोचिए, बहुत सारा ऐसा फल है जो जिसके सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, हो सकता है कि सेब का कीमत अचानक बहुत गिर जाए, या हो सकता है सेब का कीमत बहुत, सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा उन लोगों का क्या होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। दो एक सही है, दो सही है, सभी का सभी सही है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कॉमोडिटीज विच आर पेरिसेबल इन नेचर। ऐसे भी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो कमोडिटीज़ होते हैं वो जनरली पेरिसेबल ही होते हैं नेचर में। पेरिसेबल मतलब जो सड़ जाए, गल जाए जल्दी से, सड़ मतलब ख़राब हो जाए लंबे समय तक, तो जो टिक नहीं पाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या वेयर हाउसिंग की, हमारे यहाँ पर ठीक से वेयर हाउस बना नहीं है, मतलब रैम फॉर्मल नहीं है, है लेकिन फॉर्मल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है खाद उत्पादन की समस्या नहीं है, प्रोडक्शन की कोई समस्या नहीं है, चेन की समस्या है, जो एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम लोग, ना तो हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, ना तो वेयर हाउस है, ना तो सेलोज है अच्छा से, सब मतलब इतर बितर तीतर है, कोई रेगुलेशन नहीं है उसका। तो आप देखते होंगे कितना ज़्यादा भारी मात्रा में हमारे यहाँ अनाज जो होता है वो उसको चूहा खा रहा है, तो कहीं वो बरसात के पानी में गल रहा है, उसको सड़क पे रख दिया गया है, नदी के किनारे उसको रखा जा रहा है, कहाँ रखा जाएगा, कोई जगह नहीं है ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं। पेरिसेबल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरवेंशन इज टू प्रोटेक्ट द ग्रोवर्स ऑफ दीज कम्योडिटीज फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेट सेल इन द इवेंट ऑफ द बम्फर क्रॉप। हमारे यहाँ एक समस्या होता है जिसको हम लोग
कॉब वेव फिनोमेनन बोलते हैं। कॉब वेव फिनोमेनन हालांकि ये मतलब पेरिसेबल गुड्स के लिए नहीं होता है, लेकिन दालों के उत्पादन को लेकर देखिए, या फिर आप देखेंगे टमाटर का और प्याज का उत्पादन में कॉब वेव फिनोमेनन आ जाता है। तो उस समस्या को देखते हुए इस बात को समझना होगा कि रिस्ट्रिक्ट सेल इन द इवेंट ऑफ बम्पर क्रॉप ड्यूरिंग द पीक अराइवल पीरियड व्हेन द प्राइसेस टेंड टू फॉल बिलो द इकोनॉमिक लेवल्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आप घट जाएगा। द कंडीशन इज दैट देयर शुड बी ईदर, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, देयर शुड बी ईदर 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन या फिर देयर शुड बी 10% डिक्रीज इन द रूलिंग प्राइस लेवल। जो मार्केट प्राइस है उससे 10% अगर नीचे गिर जाए या फिर प्रोडक्शन 10% बम्पर हो जाए तब ये इंटरवेंशन स्कीम काम करता है। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड, ये राज्य या यूटी के रिक्वेस्ट पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अपने मर्जी से ही इसको थोप देगी या लागू करेगी, क्योंकि भारत सरकार ऐसे भी भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट बहुत पहले से ज़्यादा है, तो भारत सरकार क्यों खर्चा करेगी, क्यों बटन खुद उठाएगी। तो एक तरह से ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तरह कर सकते हैं, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर राज्य या यूटी जो है अगर वो 50% बर्डन बियर करने के लिए रेडी है तब ये इम्प्लीमेंटेशन काम करेगा। कंसल्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसका स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया गया था। सोचिए इसका मुख्य उद्देश्य प्रमोट, फैसिलेट, ऑर्गेनाइज, असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। हम लोग देखो गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग चकाचौन की दुनिया में वेस्टर्नाइजर इफेक्ट के कारण ऐसे ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं जिसकी उपयोगिता जो है सिर्फ और सिर्फ आँखों को चुभने के लिए है, दिखाने के लिए है, उपयोगिता बहुत कम है, बस उसका मूल्य ह्रास, वस्त्रों में कोई मतलब यूटिलिटी है नहीं, कीमत ज़्यादा है उसका। लेकिन खादी और विलेज इंडस्ट्री का स्थापना इस उद्देश्य से किया गया ताकि एक तरह से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके एजेंसियों के बीच रूरल डेवलपमेंट के लिए, मदद करना, प्रमोट करना, फैसिलेट करना, ऑर्गेनाइज करना, असिस्ट करना, ताकि इसका मतलब एक तरह से बाजार क्रिएट किया जाए। इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट डज नॉट कम इन टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यू नो अबाउट दैट। पहला तो ये एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये इसका उद्देश्य तो समझ ही गए, मतलब ओवरऑल खादी और विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करना है रूरल एरिया में, कुटीर उद्योग, ताकि ओवरऑल क्या हो आपको पता है। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री जो है एक स्टेटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट एक्ट जिसका नाम है खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ओवरऑल इसका मकसद समझ लीजिए, सबसे पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो लघु छोटे और मध्यम उद्योग है उसके मंत्रालय के तहत आता है। विथ टू रिगार्ड खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री विद इंडियन इंडिया विद इन इंडिया प्लान प्रमोट फैसिलेट ऑर्गेनाइज असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी और विलेज इंडस्ट्री गांव आधारित उद्योग, खादी उद्योग, इसका डेवलपमेंट हो रूरल एरियाज में इन कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन अदर एजेंसीज एंगेज इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास को एक तरह से बूस्ट करना है, ओवरऑल मुख्य मकसद यही है। उसमें इसका एक रोल है, एक छोटा सा रोल है खादी और विलेज इंडस्ट्री का ग्रामीण विकास में, तो उसको बूस्ट करना चाहिए ना, तो उसके लिए MSME मिनिस्ट्री ने इसका गठन कर दिया 1956 में ही। द कमीशन हैज अ थ्री मेन ऑब्जेक्टिव, वंस अगेन सुन लीजिए, एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि कहीं ना कहीं रूरल एरिया में रोजगार मिले, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि इसका एक स्टेबल आर्टिकल बने, इसको वर्ल्ड वाइड फेमस किया जाए, और वाइडर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वासी, स्वविश्वासी, आत्मनिर्भरता, बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमिक
और कम्युनिटी स्पिरिट, ग्रामीण भारत से ही तो बल मिलेगा राज्य को। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, वही बात है। कंसर्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आपको पता होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सब क्या है? ये सब दादागिरी है, ठीक है? ये सब दादागिरी, मेरा मतलब कहना कि यही कंपनियां है केवल, जो आपको मतलब एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाती है। आपको मतलब कोई सामान खरीदना हो ऑनलाइन में, टक 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 आपने कोई चीज़ मंगा लिया, वो मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो मीडिएटर इतना होशियार है, उसने बिचौलिया बैठा रखा है, उसने सब चीज़ का निर्माण करने वाले लोगों से अपना मतलब एक तरह से सांठगांठ कर लिया है, तो इससे कंज्यूमर को उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। कंज्यूमर भी बेचारा, उसके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो भारत सरकार ने इस पर दिमाग लगाया और एक ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की मतलब एक तरह से स्थापना की, जिसको मतलब गवर्नमेंट बैक होगा, मतलब ये भारत सरकार का या सरकारी मतलब बैक होगा। बैक मतलब होता है कि सरकार का अहम रोल होगा इस प्रोजेक्ट में, ताकि इनेबलिंग किया जा सके छोटे स्मॉल मर्चेंट्स, छोटी छोटी जो खुदरा विक्रेता है, उनका बाजार, उनका एक उनका मार्केटिंग मार्केटिंग स्किल कितना है? बहुत कम है। मार्केटिंग मार्केट शेयर बहुत कम है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल जो कॉमर्स है ना, डिजिटल जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसके लिए आपको मतलब एक अलग सेक्टर चाहिए, उसके लिए अलग टेक्निक चाहिए, वो लेवल फील्ड नहीं मिलता है उन लोगों को, स्मॉल मार्केट को इन द पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड टू एक्सेस द प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। और वो मतलब उनको टेक्नोलॉजी, उनको धन, उनको संसाधन, उनको विक्रेता, उनको क्रेता के बीच में कैसे जोड़ा जाए, टिपिकली डिप्लॉयड बाय द लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है बड़े बड़े, एक तो ये बहुत बड़े मल्टीनेशनल एजेंसियां हैं, ये वर्ल्ड में बहुत इतने ताकतवर हैं, तो सोचिए इनका रोल जो है वैसे इंडस्ट्रीज के साथ बहुत ही फेवरेबल होगा जो उनके हितों में काम करते हों, लेकिन छोटे स्मॉल मर्चेंट तो उनके फेवर में या उनके हितों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो अधिक से अधिक प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इसके लिए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स आया। इट इज एन इनिशिएटिव एम एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इट इज इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT का ही ये इनिशिएटिव है, प्रयास है, सम्मान दिए, सैल्यूट, सबके सब सही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज ए गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट। उद्देश्य सीधा साधा है, इनेबलिंग कराना है स्मॉल मर्चेंट, मोम एंड पॉप स्टोर्स इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू एक्सेस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी दैट आर टिपिकली डिप्लॉयड बाय द लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इट इज अ इनिशिएटिव एम एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क्स फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। ONDC is to be based on open source methodological, open source methodological पे काम करता है, using open specification and open network protocols, independent of any specific platform, as independent, कोई खास platform में जाकर नहीं बढ़ जाएगा। It is being developed as a counter to the current strange hold to the two big players in the Indian कॉमर्स मार्केट। अभी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में आप नजर दौड़ाइएगा तो दो बड़ी कंपनियां आपको दिखेगी, एक है अमेजॉन, दूसरा है वॉलमार्ट ऑन फ्लिपकार्ट। इन दिस ईयर अब देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT वेंट लाइव विद अ टेस्ट रन ऑफ ONDC इन सिटीज जैसे दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग। पायलट बेस पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और 150 सेलर को इसमें चुना है। ONDC lies in the middle of the interface hosting the buyers and sellers, बायर और सेलर के बीच एक तरह से मेजबानी करेगा ये ONDC प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट What is the role of
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड होम मिनिस्टर विथ रेफरेंस टू द लैंग्वेज, भाषा को लेकर दो अलग अलग मंत्रालयों का, जिसमें कि शिक्षा मंत्रालय होम मिनिस्ट्री दोनों का अलग रोल है। तो आप इसको समझ लीजिए कि स्कोप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू द लैंग्वेज एक्सटेंड्स टू एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन। दूसरा है कि होम मिनिस्टर स्कोप्स एक्सटेंड टू प्रोटेक्टिंग द लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ लैंग्वेज माइनॉरिटीज एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो भारत सरकार में दो मंत्रालय, एक शिक्षा मंत्रालय दूसरा होम मिनिस्ट्री, दोनों की शिक्षा से जुड़ा हुआ, दोनों को भाषा से क्या क्या काम है। अगर बात सॉफ्ट स्किल की बात हो, अगर बात मतलब सॉफ्ट लेवल पे बात हो, तो एजुकेशन का प्रसार करना हो मातृभाषा में और प्रमोशन हो उसका, उस शिक्षा का, उस भाषा का, उस कल्चर का, तो उसका काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। और अगर बात करें सुरक्षा की, लिंग्विस्टिक राइट्स की, उसके प्रमोशन की, हिंदी के प्रमोशन की, तो ये काम है होम मिनिस्टर का। दोनों सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए डी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट बिटवीन टू मिनिस्टर्स, दो मिनिस्ट्री के बीच है सब्जेक्ट, लैंग्वेज के सब्जेक्ट का अगर बात हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड होम मिनिस्टर। स्कोप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू द लैंग्वेज एक्सटेंड्स टू एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन। तो होम मिनिस्ट्री स्कोप एक्सटेंड टू सेफ गार्डिंग रिलेशन ऑफ स्टेट्स विद यूनियन, प्रोटेक्टिंग द लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ लैंग्वेज माइनॉरिटीज, लैंग्वेज माइनॉरिटीज का संरक्षण हो, यूनियन और केंद्र के बीच भाषा को लेकर जो ताम घिंची घिंचा घिंची होता है, कौन सा भाषा प्रमोट होना चाहिए, हिंदी भाषा को प्रमोट करने का काम। अगला क्वेश्चन है, इन लास्ट फ्यू ईयर द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इन टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में क्या क्या कदम उठाए गए हैं ताकि टेलीकॉम सेक्टर को एक ऊंचाई दिया जा सके, प्रदान किया जा सके। इस सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI अलॉट कर दिया गया है, इनेबल वाईफाई इन फ्लाइट, अलाउड डेफर्ड पेमेंट फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर, डी रेगुलेटेड BPOs एंड कॉल सेंटर। जी हाँ, सभी के सभी आंसर सही है। देखिए, की पॉलिसी इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, कुछ इंटरवेंशन किया गया है, कुछ मतलब छेड़छाड़ बोलिए या फिर घुसपैठ बोलिए, और कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया गया है ताकि भारत को भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर खड़ा किया जा सके। भारत में भी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर खड़ा इसे थोड़ा हो पाएगा, इसके लिए सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को रवैया जो है लिबरलाइज करना होगा, अर्थात LPG को और विकसित करना होगा। देखिए, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ GDP, ये भारत के GDP में बहुत बड़ा योगदान देता है, और पिछले अगर कुछ सालों से देखा जाए तो सरकार ने इसमें लगातार प्रयास किए हैं, लगभग 100% FDI अलॉट कर दिया है इस सेक्टर में, और जितने भी BPOs हैं और जितने भी कॉल सेंटर उसको डी रेगुलेट कर दिया है, जो हवाई यात्रा करते हैं उसमें वाईफाई जो है इनेबल हो गया। टेलीकॉम सेक्टर को कहा गया कि आप पहले काम शुरू कीजिए, पैसा कमा के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिफर पेमेंट बोलते हैं जिसको, डिफर पेमेंट फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स ड्यू टू देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल कंडीशन उनका भी ठीक ठाक नहीं है, आपको पता होगा एडजस्टेड AGR का मतलब कंसेप्ट, एडजस्टेड गॉड्स रेवेन्यू बहुत चर्चा में आता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक कि मतलब कहीं ना कहीं आके आगे खेल के सरकार को कहा कि टेलीकॉम सेक्टर को देना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार जानती है कि टेलीकॉम सेक्टर का खस्ता हालत क्या है, वोडाफोन बंद हो गया, ये सब क्या है। अब भारत में केवल दो बड़ी टेलीकॉम सेक्टर अभी अभी अपना दादागिरी चला रही है, एक जियो है, दूसरा एयरटेल है। तो सोचिए, अगर ये दो मात्र टेलीकॉम सेक्टर में यही दबदबा चलाएगी तो फिर बाकी होगा क्या होगा, कंज्यूमर का क्या होगा, कंज्यूमर तो 24 दिन का महीना मनाने लगी है। सोचिए, इन कंपनियों का चला तो ये 24 दिन तो क्या 20 दिन में महीना घोषित कर देंगे। और डेटा रेट देखिए, हालांकि पूरे विश्व में डेटा कंजम्पशन रेट हमारे देश में कम है, ठीक है, लेकिन सोचिए अगर ये दो कंपनियां रहेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, सरकार का रोल, लेकिन सरकार ने खुलेआम इसको स्वागत योग बनाया। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज रिलीज अ ड्राफ्ट, अब एक नया बिल आने वाला है टेलीकॉम सेक्टर के लिए 2022 में, जिसमें ओवरऑल उद्देश्य क्या होगा, रिफॉर्म एग्जिस्टिंग टेलीकॉम लॉ, पहले से जो चला आ रहा है, जो घिसा पिटा रूल था उसको ठीक करना,
उसके रेगुलेशन को मतलब एक तरह से बूस्ट करना, और फ्यूचर चूँकि हुआई आने वाला है 5G नहीं तो 6G, उसका आप देख रहे हैं हम लोग अभी डिजिटल करेंसी पर भी उतरने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमिक के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर का भी अपना कदम से कदम मिलाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज डिजिटल सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर एक ही पायदान पे खड़े नहीं होंगे तो फिर डिजिटल इकोनॉमिक का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL, नेशनल ई गवर्नेंस। NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इज द इंडियाज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी दैट हैज बीन सेट अप बाय द लीडिंग बैंक्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े जो बैंक है, लीडिंग बैंक और जो बड़े बड़े पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। पहला भारत का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सेंटर बनेगा, मतलब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए। इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, और मान लीजिए ये यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। इट इज रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के तहत इसका रजिस्टर्ड हुआ है अंडर द एजिस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड। तो ये इसको बैकिंग किससे मिला हुआ है, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड IBC का बैकिंग है इसको। NESL works towards the time-bound resolution by providing verified information to the creditors and adjudicating authorities that do not require further authentication. सब के सब सही है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। NESL एक इंडिया का पहला information utility and it is registered with the Insolvency and Bankruptcy Board अंडर द IBC कोड 2016। और ये कंपनी सेटअप की गई है पूरी तरह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन के रूप में, यूनियन गवर्नमेंट का ये कंपनी है। इसका प्राइमरी रोल एक रिपोजिटरी के रूप में, एक ऐसा रिपोजिटरी लीगल एविडेंस होल्डिंग करेगा, मतलब जितने भी लीगल एविडेंस हैं सब के सब यहाँ पर जमा होंगे NESL, ठीक है। नेशनल ई सर्विस लिमिटेड इज टू सर्व एज ए रेपोजिटरी, एक खजाना होगा लीगल एविडेंस का, होल्डिंग द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी डेब्ट क्लेम सबमिटेड बाय द फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर वेरीफाइड अथॉरिटीज। किसी के द्वारा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, कोई भी क्लेम हो, कोई भी दावा हो, कोई भी ऋण हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे वेरीफाइड और ऑथेंटिफिकेट पार्टीज क्यों ना हो, उनका डेप्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इसका चिट्ठी मिल जाएगा या खाता मिल जाएगा, और सब के सब इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और ये टाइम बाउंड रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, समय सीमा के अंदर आपका रफा दफा साफ हो जाएगा सब कुछ। तो ये टाइम बाउंड रेजोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग वेरीफाइड इंफॉर्मेशन टू क्रेडिटर्स एंड टू एडजुकेटिंग अथॉरिटीज That do not require further authentication, बार बार authentication करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, ये जो chronic capitalism है वो घट जाएगा, default intimation to the creditors lend to debtor when they credit files a default against the debtor, mitigation of information asymmetry between parties to debt, super credit monitoring होगा भैया बाय द क्रेडिटर्स के द्वारा, एंड अग्रीड स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिटवीन पार्टीज टू अडेप्ट फैसिलेट द ऑल स्टॉक होल्डर्स ऑफ द IBC इकोसिस्टम बाय लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड NESL। सब कोई अपना डिपॉजिट देखे, सब कोई अपना डेप्ट इंफॉर्मेशन दे रहा, बता रहा है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, किससे लोन लिया है, किस शर्त पे लोन लिया है, ये क्रेडिटर है, ये डेप्टर है, ये धन देने वाला है, ये धन लेने वाला है, उधारकर्ता और उधार दाता
दोनों के डेटा का बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा, उसके बाद आप कंफर्म हो जाइए, तभी आप आराम से जाके लोन लीजिए, लोन दीजिए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं भैया, ये पंचायती राज मंत्रालय के तहत आता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक मोबाइल ऐप है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, ये मोबाइल ऐप है, लॉन्च किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। और चूंकि इस नाम से स्पष्ट है ई ग्राम, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एक कैसे प्रोवाइड करें, कैसे बताएं कि क्या हो रहा है हमारे ग्राम में, कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा हुआ, सबकी सबकी जानकारी तो यहाँ पर होना चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इट विल प्रोवाइड द ग्राम पंचायत विद अ सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट देयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। द पोर्टल विल इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेहिता, ये सुनिश्चितता, ये पारदर्शिता, ये कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, बड़ी बड़ी बातें तो मैंने कर दी, होता है कहाँ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के जैसा ही है ये, विच पूल्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। अलग अलग कैटेगरीज के लोग आए हैं यहाँ पर, अपना पैसा फंसाते हैं, कुछ कमाई चाहते हैं, कुछ लाभ चाहते हैं, लाभ के लिए आते हैं, इन्वेस्ट देम इनटू द कंप्लीटेड या फिर नन या फिर रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या तो वो कंप्लीट या रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना इनपुट लगाते हैं, पैसा देते हैं। एनएचएआई इनबिट, एनएचएआई इनबिट है वो, इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स जो है वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, तो एक और दो सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू म्यूचुअल फंड विच पूल्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट देम इनटू द कंप्लीटेड एंड रन रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई सड़क पहले से बनकर तैयार है, कोई मेट्रो पहले से बनकर तैयार है, ठीक है, उसमें आप पैसा फंसाना चाहते हैं तो इनबिट्स आपका स्वागत करता है। बनी बनाई ऑलरेडी कोई, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में अगर आपको पैसा लगाना है, अपना इन्वेस्ट करना है, तो आप इनबिट में पैसा फंसा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के जैसा होता है, देयर बाय क्रिएटिंग रिटर्न्स। और अगर उधर में फायदा हुआ तो फायदा होगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर तो जानते हैं, सेबी है, नोटिफाइड दैट सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 एंड दिस ट्रस्ट आर लाइकली टू हेल्प फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। स्ट्रक्चर्ड लाइक, मतलब इसका समझना समझ लीजिए म्यूचुअल फंड के जैसा है। दे हैव ए ट्रस्टी, एक ट्रस्टी है, एक स्पॉन्सर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। वाइल द ट्रस्टी दैट इज सर्टिफाइड या सर्टिफाइड बाय सेबी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इनविट्स। स्पॉन्सर या फिर उसको प्रमोटर बोल सकते हैं हम, आर द कंपनी दैट सेट अप द इनविट। इन द केस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें पीपी मॉडल पर खड़ा है, तो इट रेफर्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर या स्पेशल पर्पज व्हीकल। इसका मतलब है कि या तो स्पेशल पर्पज व्हीकल होल्डिंग द कंसेशन, उसमें आपको कंसेशन मिलेगा, ठीक है, या तो पीपीपी मॉडल पे हो या फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल पे हो तो आपको कंसेशन मिलेगा। नाई इन विट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाई इनविट ने, अब सब अलग अलग नाम का इनविट है,
ना ही इन्विट होगा, तो आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी इन्विट हो जाएगा, नेशनल हाईवे के लिए इन्विट है, तो फिर देखिएगा ढेर सारा प्रोजेक्ट्स है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी इन्विट आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, व्हाई नॉट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो पैसा तो चाहिए, बहुत भारी इन्वेस्ट चाहिए। तो नाई जो है इस दी इन्विट, नाई इन्विस्ट में इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो सपोर्ट कर रहा है। स्पॉन्सर्ड कौन है इन नाई इन्विट का, स्पॉन्सर्ड मैंने जो पैसा लगाता है, मतलब उसको जो बैक करता है, बैकिंग देता है, सपोर्ट करता है, ट्रस्ट करता है, द गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नाइस इन्विट इज ए ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय नाई। नाई इन्विट का स्थापना कब हुआ था देख लो, नाई अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, और जैसा कि सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए रेगुलेशन। अब हम लोग आज बात करते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अभी अभी चर्चा में था क्योंकि इस पर कठिन, इसको और कठिन बना दिया गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। जी नहीं, स्टेटमेंट सोचिए ये गलत है या सही, इसका स्थापना कब किया गया था। देखिए बाहर से जब फंडिंग होता है ना तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। चिंता तब होती है जब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हो जाते हैं। तो भारत सरकार को अपने देश की राष्ट्रहित और साथ साथ देश की जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कोई बाहर से ना करे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो दान दे रहा है और उस दान के नाम पर हमारे देश के हितों को किसी तरह से क्षति पहुँचाने की कोई अधिकार नहीं है, तो स्वाभाविक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को मजबूत करना जरूरी भी है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ MOU तो साइन करती है लेकिन वो धरातल पे स्थापित नहीं हो पाती है। एग्जांपल के तौर पे आप तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनलकुलम की बात कर लीजिए, उसमें किस तरह से अलग अलग विदेशी फंडों के मदद से वहाँ के रहने वाले लोगों को भड़काया गया, दंगा कराया गया, हमारे देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसको खतरा में डाला गया, अलगाववाद, संप्रदायवाद, नस्ली हिंसा, ये सब कैसे होता है, ये फंडिंग है, सब पेडेड होता है। विदेशी घुसपैठिए घर में बैठकर ही नहीं, घर से बाहर भी देश के संरचना को बिगाड़ने में दिन भर माथा लगाए रहते हैं। चलिए बात करते हैं इसको। द एक्ट प्रोविड्स रिसिप्ट ऑफ ए फॉरन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पोलिटिकल नेचर। स्वाभाविक है, ऐसे लोग तो बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, इलेक्शन जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा हो उसको अगर विदेशी फंड मिल जाए तो वो तो वही नीति बनाएगा ना जो बाहर के लोग चाह रहे हों, और इकोनॉमिक नीति अगर चाइना के तहत सोचने लगे, चाइना उसको फंडेड कर रहा है, अगर इलेक्शन में चुनाव जीत के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोच लीजिए। जर्नलिस्ट लोग वही अपने मतलब प्रेस की आज़ादी के नाम पर सो कॉल्ड जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं दिन रात, हिंदू मुस्लिम ये सब जो होता है, उसको अगर फंडेड मिलने लगे तो और बगावती रवैया दिखाने लगेंगे। मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोलिटिकल नेचर सब के सब को बैन किया गया है, ये नहीं ले सकते पैसा। वंस ग्रांटेड FCRA रजिस्ट्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ FCRA के लिए तो आप 5 साल के लिए शांत हो जाइए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, आप सोचिए, हमको नहीं पता। एंड NGO हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल बिफोर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो चलिए तीसरा नंबर तो गलत है, इसका सही जवाब एक है, केवल और केवल दो, क्योंकि FCRA जो है उसकी स्थापना 1976 के दरमियान की गई थी जब इंदिरा गांधी का शासन था, इमरजेंसी का कार्यकाल था। अब देखिए सबसे पहले ये बात समझिए कि FCRA करता क्या, क्या उद्देश्य है इसका। रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल एसोसिएशन कंपनीज एंड टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन फॉर एनी एक्टिविटीज दैट इज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को कुचल दिया जाएगा। द लॉ वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी 1976
एफसी और रिक्वायर्स एवरी पर्सन एनजीओ विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। एक अपना बैंक अकाउंट खोलिए फॉर द रिसीप्ट ऑफ द फॉरेन फंड्स। अगर आप फॉरेन रिसीप्ट चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, इसका दिल्ली का ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट फॉरेन अकाउंट खोलिए। टू यूटिलाइज दोज फंड्स ओनली फॉर द पर्पस विच दे हैव बीन रिसीव्ड। अपना स्पष्ट ब्यौरा दीजिए कि किस कारण से आप ये पैसा चाहते हैं, मेंशन कीजिए। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स, हर साल अपना रिटर्न भरिए, कितना आया, कहाँ लगाया, किस उद्देश्य से लगाया। और ध्यान रहिए अपना पैसा किसी भी दूसरे एजेंसी या दूसरे एनजीओ को बिल्कुल आप शेयर नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट के मदद से जितने भी फॉरेन कैंडिडेट्स जो फॉरेन फंड आते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन में हो, जर्नलिस्ट हो, न्यूज़पेपर छापते हो, मीडिया ब्रॉडकास्ट करते हो, कंपनीज हो, जजेज हो, सरकारी पदाधिकारी हो, नौकर हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, एमएलए, एमपी, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिस बीआरआर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल नेचर, उनको किसी भी प्रकार का भीख मांगने का जरूरत नहीं है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आर ग्रांटेड टू इंडिविजुअल, हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, एसोसिएशन भी ले सकता है, दैट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम। आपका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। आप जो हाथ फैला रहे हैं, ए भैया, ए चाइना, ए अमेरिका, ए मिलिंडा गेट्स, ए आईएमएफ, हमको मदद कीजिए, मदद तो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? कोई सांस्कृतिक, कोई आर्थिक, कोई शिक्षक, कोई धार्मिक, कोई सोशल प्रोग्राम है? कोई दिखाइए ना हमको डेटा, कितने लोगों का कल्याण किया, कहाँ कहाँ आपने एजुकेशन में या फिर कल्चरल विकास के लिए अपने कुछ काम किया, आपका कोई हिस्ट्री तो है? आपका कोई हिस्ट्री है नहीं है, पैसे उठाने चले हैं। और बोलते हैं हमारा सरकार हमें कठोर नीति में रख रहा, नहीं जरूरी है। फॉलोइंग द एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैक्स इंक्वायरीज थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो इन टू द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट। And accordingly, the process of application, Ministry of Home Affairs is required to approve or reject the application within the 19 days. 90 दिन के अंदर या तो reject हो जाएगा या तो application approve हो जाएगा। अगर approve नहीं हुआ तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि approve क्यों नहीं हुआ। Once granted FCRA registration, एक बार granted हो जाए 5 साल के लिए आप सुरक्षित हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको हर 6 महीने में renewal कराते रहना होगा। अगर renewal नहीं कराए तो वो expiring माना जाएगा। Government reserve the right to cancel the FCRA registration of any NGO. भारत सरकार के पास इस एक्ट के तहत इतना पावर दिया गया भारत सरकार को कि वो किसी भी NGO को बाहर से धन उठाने के लिए मना कर सकती है। अगर उसको संदेह तक हो जाए कि इसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए होने वाला है, बस उनको सिर्फ संदेह होना चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है। एक बार एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो 3 साल के लिए सो जाइए, आप 3 साल तक भूल जाइए कि री एलिजिबल नहीं होंगे आप। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि आप भारत सरकार के इस इरादे के खिलाफ कि आपका एनजीओ पैसा लेने में असक्षम है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, उसमें फेयर और जस्टिस और क्या कहते हैं सो कॉल्ड रीजनेबल तार्किक रीजन नहीं है, तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका स्थापना सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत किया गया था। क्या सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जी, सोचिए द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ CSIR इंक्लूड
इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, केमिकल, माइनिंग, फूड, लीदर, एनवायरमेंट, सब के सब आता है। लेकिन दूसरा सही नहीं है, सीएसआईआर का प्रधानमंत्री, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करते हैं, इसका प्रेसिडेंसी प्रधानमंत्री के पास होता है। तो एक और तीन सही है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और भारत की सबसे लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, R&D के लिए बहुत दिमाग लगाती है, बहुत बड़ा योगदान भी है भारत के मतलब उत्थान में CSIR का। अगर बहुत बड़े बड़े मतलब अगर कहा जाए कि इनोवेशन में किसी का अगर नाम लिया जाए तो CSIR का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑल्दो इट इज मेनली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करती है, लेकिन ये ऑपरेट करता है ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, क्योंकि इसका गठन किया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत, ठीक है। इसको कोई कानूनी बैक है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट इसको कानूनी बैक मिलता है, लेकिन इसका मैनिपुलेशन सरकार नहीं कर सकती है, अपने इच्छा अनुसार नहीं चला सकती है सरकार, इसको डरा धमका नहीं सकती है, ये ऑटोनोमस है, ठीक है। जैसे UGC है, जैसे IIM है, ठीक है, उसी तरह ये भी है CSIR। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ CSIR जिसमें कि क्या क्या शामिल है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जैसे बड़ा बड़ा पूल बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, ओशियन साइंस, जैसे अभी ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है, लाइफ साइंस की बात हो रही है, धातु विज्ञान की बात हो रही है, केमिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लीदर, एनवायरमेंट, सब के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अगर एजेंसी है तो ये भी एक है रिसर्च के दृष्टिकोण से, R&D के दृष्टिकोण से। तो इसका प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर चलते हैं। वन हेल्थ फोकस अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच फोकस किस पे करता है, अरे बताइए, फूड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ जूनोसिस, कॉम्बेटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, सब के सब। वन हेल्थ इज एन अप्रोच टू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, रिसर्च इन विच The multiple sector communicate and work together to achieve better public health outcomes. स्वस्थ भारत, सुखद भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा बताइए, जब तक पॉलिसी, सुझाव, प्रोग्राम, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो। जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी ना। इसके लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाया गया है, डिजाइन किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है प्रोग्राम को बेहतर ढंग से धरातल पर लागू करने के लिए। आयुष्मान भारत ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इतना बड़ा योजना, विश्व की सबसे बड़ी योजना है, ऐसे हो जाएगा नहीं ना। इसके लिए कुछ प्रोग्राम है, इसमें वन हेल्थ आता है। द एरिया ऑफ वर्क इन विच ए वन हेल्थ अप्रोच इज पार्टिकुलरली रेलेवेंट, इसमें क्या क्या शामिल होगा वन हेल्थ में, फूड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ जूनोसिस, बहुत सा बीमारी होता है जैसे कि फ्लू है, रेबीज है, रिफ्ट वैली फीवर है, ये सब फैल जाता है जानवरों से। अभी कोविड कैसे फैला, जस्ट बिकॉज ऑफ जूनोसिस एंड कॉम्बेटिंग, और ये सबसे बड़ी समस्या विश्व के लिए आपको पता होना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। जब बैक्टीरिया अपना इतना गहरा चेंज करता है कि कितने प्रकार का आप लगातार हर दिन कुछ ना कुछ बायोटिक एंटीबायोटिक लेते रहते हैं दवाई के रूप में, और ये एंटीबायोटिक अपने शरीर के प्रति इतना मतलब बदल गया है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो अनेबल हो चुका है बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को प्रवेश करने दे रहा, आ जाइए स्वागत है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा आपका। हर दवाई में एंटीबायोटिक खाना जरूरी है, आपको अपने आप से डॉक्टर बन जाते हैं। कंसर्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाभिक, नाभिक के बारे में पूछा जा रहा है। नाभिक एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन है, रुका हुआ स्टैंड अलोन बोलते हैं उसको, नेविगेशन सेटेलाइट है जो कि डेवलप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। ये तो एब्सोल्युटली बिल्कुल क्या है बताइए। इट कवर्स द होल इंडिया लैंड मास, ये पूरे भारत के जो भारत का जो विस्तार है वो पूरे के पूरे उसको लैंडमार्क को देखेगा, और दूसरा बात है कि 15,000 किलोमीटर इससे दूर भी देखेगा, कवर करेगा, मतलब उसका छाया लेगा, चित्र लेगा, उसको सूचना प्रदान करेगा। 15,000 किलोमीटर बाउंड्री समझते हैं आप कहाँ होता है,
इट इज़ बीइंग यूज इन द पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग एमरजेंसी सिचुएशन वार्निंग अलर्ट्स टू द फिशरमैन जो बहुत समुद्र में दूर डीप यात्रा करते हैं. गैलीलियो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. चाइनास फ्रॉम ब्यूडूस एंड क्यूजास ऑपरेटेड बाई जापान आर सम ऑफ द नेविगेशन सिस्टम दैट हैव अ ग्लोबल कवरेज. देखिए इसमें गैलीलियो का तो है, बिल्कुल सही बात है, चाइना का भी है, जापान का जक्सा भी है. जापान तो जक्सा तो उसका स्पेस एजेंसी का नाम है यार, क्या बोलते हैं QZSS. लेकिन ये QZSS जो है ना वो ग्लोबली नहीं, ये क्षेत्र स्तर पे काम करता है. और GPS तो जानते ही आप, USA. पहला बात तो आपको पहला पता होना चाहिए कि 15,000 एरिया, ठीक है. लेट्स सी, तो नाभिक या नेविगेशन विथ, फुल फॉर्म देख लीजिए, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है. इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन है. स्टैंड अलोन रुका हुआ है, घूम नहीं रहा, रुका हुआ सेटेलाइट सिस्टम जो कि डेवलप किया गया इसरो के द्वारा. इसमें 8 सेटेलाइट लगा हुआ है जो पूरे भारत को कवर कर लेगा, भारत की भूमि को कवर करेगा. इसके अलावा 930 माइल इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उससे सटा हुआ जो बाउंड्री है 1500 किलोमीटर जिसको बोल सकते हैं आप, उसको भी कवर करेगा. हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है और एक मतलब इट इज़ बीइंग यूज इन पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया. भारत में कौन पब्लिक व्हीकल जो होता है उसके लिए ट्रैकिंग करने के लिए ठीक है. फॉर प्रोवाइडिंग एमरजेंसी वार्निंग अलर्ट टू द फिशरमैन वेंचरिंग इन टू द डीप सी वेयर देयर इज नो टेरिटोरियल नेटवर्क कनेक्टिविटी. जहाँ टेरिस्ट्रियल में भूमि पर लगा जो आप टावर देखते हैं, अगर टावर है तो फिर ठीक है, लेकिन जहाँ टावर नहीं है उसका क्या, उसको सेटेलाइट फोन से मदद मिलेगा ना, उसको सेटेलाइट सूचना चाहिए ना, तो नाभिक वहाँ मदद करता है. एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेचुरल डिजास्टर. काम कैसे करता है, हाउ डज नाभिक कंपेयर, इसको देख लीजिए पहले. द मेन डिफरेंसेस इन द सर्विसेबल एरिया कवर्ड बाय दिस सिस्टम. देखिए इसका सबसे बड़ा है ना कवर्ड एरिया ही डिफरेंसेस कर देता है. GPS जो है ना पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व के उपभोक्ता इसको कवर करते हैं. एंड इट्स सैटेलाइट्स सर्किल द अर्थ ट्वाइस अ डे. एक दिन में पूरा अर्थ पृथ्वी का 2 चक्कर मार देता है ये सैटेलाइट. जबकि नाभिक तो हमारा जो करेंटली जो यूज है वो केवल और केवल इंडिया और थोड़ा सा उसके आसपास का क्षेत्र को कवर करता है. GPS के जैसा ही और भी नेविगेशन सिस्टम बनाया गया है पूरे विश्व को कवर करने के लिए, जैसे कि यूरोप यूनियन का अपना गैलीलियो है, रसिया का ग्लोनास है, चाइना का बैडू है. लेकिन ध्यान रहे QZSS जो कि जापान के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये भी एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो उसके एशिया ओशनिया और जापान पे फोकस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन ओवर द कन्वेंशनल फूड प्रोडक्शन मेथड्स. जनरली हम लोग जो फूड प्रोडक्शन करते हैं उसके तुलना में सिंगल सेल प्रोटीन की क्या भूमिका है. एक तो लो वाटर फुटप्रिंट है, पानी का खपत कम होगा अगर आप सिंगल सेल प्रोटीन के मदद से चीजों का उत्पादन करेंगे तो. दूसरा है कि कंसिडरेबली लेस एंड लैंड यूज, मतलब ना के बराबर ये जमीन का यूज करेगा. दूसरा है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन में ये रिडक्शन करता है. जनरल बात है तीनों का तीनों सही है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, बहुत ही लेस प्रोडक्शन करता है, ठीक है. सिंगल सेल प्रोटीन है क्या, एक इडाइबल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इडाइबल खाद्य योग खाने योग यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द बायोमास या फिर प्रोटीन, ये जो बायोमास है ये जो प्रोटीन है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कहाँ से एक्सट्रैक्टेड या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्योर या मिक्स कल्चर ऑफ अलगी, या तो इसको अलगी से या तो इससे या तो फंगी से या तो बैक्टीरिया से, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मे बी यूज्ड
बायोमास और प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर मिक्स कल्चर ऑफ अलगी ईस्ट फंगी बैक्टीरिया मे बी यूज एज ए इनग्रेडियंट या फिर ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड्स। अब प्रोटीन रिच खाना के लिए दौड़ते हैं, हमको खाना खिलाओ प्रोटीन वाला रहे, हमको मुर्गा खिलाओ, हमको मटन खिलाओ, दूध पिलाओ, इसमें प्रोटीन रिच तो है लेकिन इसको सब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा प्रोटीन रिच प्रोडक्ट आ जाए, तो सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट इज सूटेबल खाद्य योग्य है मनुष्य के लिए जानवर के लिए। वेयर एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इज मार्क बाय हाई वाटर फुटप्रिंट्स हाई लैंड यूज बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन जनरल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज बाय इमिशन ऑफ अ थर्ड ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्शन ऑफ SCP डज नॉट नेसेसरली एग्जिबिट एनी ऑफ दिस सीरियस ड्रॉबैक्स। तो चलिए SCP और क्यों हम लोग झूठ मूठ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोटीन खाएंगे जिससे इतना गंभीर नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, लैंड को, जमीन को, आकाश को, नभ को, गगन को, हमको, आपको, प्रकृति को, सबको तो नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन ये SCP तो कई गुना अच्छा है। आज के समय अगर देखा जाए तो SCP इज कॉमनली ग्रोन एन एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट, इसको एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उत्पादन किया जा रहा है एंड सच इनहेरिट्स द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जो है वो बढ़ रहा है, वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की कहीं ना कहीं अच्छी मतलब तरह से देखा जाए तो योगदान दे रहा है, लेकिन 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 SCP सिंगल सेल प्रोटीन मे बी ऑल्सो प्रोड्यूस इंटायरली इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट। हाउएवर SCP मे ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड entirely independent of agriculture waste product through the autotrophic growth। तो ये autotrophic growth के मदद से भी उगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, produce किया जा सकता है। Answer the following statement regarding the solid state battery. Solid state battery uses solid electrodes and solid electrolyte instead of liquid electrolytes found in lithium ion batteries. Solid state battery का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोनों के दोनों जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग जनरल जो कन्वेंशन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है या तो लिक्विड फॉर्म में या तो पेस्ट फॉर्म में होता है, खास करके लिथियम आयन बैटरीज में देख लीजिए। सॉलिड स्टेट बैटरीज आर यूज इन पेस्ट मेकर, आर फीड और वियरेबल डिवाइसेस जो कान में आप यंत्र पहनते हैं सुनने के लिए, या बहुत सारा ऐसा डिवाइस आ चुका है जो सॉलिड स्टेट बैटरीज का यूज़ करता है। पेस्ट मेकर तो जानते ही हैं जो हार्ट की गति को मेंटेन करने में योगदान देता है, आर फीड जो है आप जानते हैं कि जब गाड़ी स्कैनिंग करता है खास करके टोल कनेक्शन जहाँ होता है तो आर फीड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड डिटरमाइनिंग समथिंग आई डोंट नो। एनर्जी डेंसिटी इन लिथियम आयन बैटरी इज हायर देन सॉलिड स्टेट बैटरी, एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इन लिथियम आयन बैटरी इज हायर देन सॉलिड स्टेट बैटरी इज नॉट पॉसिबल। लिथियम आयन बैटरी में एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड स्टेट बैटरी की तुलना में क्या होता है कम होता है, तो एक और दो सही है। सॉलिड स्टेट बैटरी इज अ बैटरी टेक्नोलॉजी दैट इज यूजेस सॉलिड इलेक्ट्रोड, एक तो इलेक्ट्रोड तो सॉलिड होता ही है और साथ साथ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें उसको रखा जाता है, जैसे कि आप अगर गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल पढ़िएगा केमिस्ट्री में तो यू आर स्टडी अबाउट दैट ऑल थिंग्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट आई थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट। इंस्टेड ऑफ लिक्विड और पॉलीमर जेल
जनरली जेल, अगर अगर सुने होंगे आप, जो वेस्टर्न ब्रिज वेस्टर्न सेतु में होता है, फाउंड इन लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर्स बैटरीज। जितने भी लिथियम आयन बैटरी उठा लीजिए, लिथियम पॉलीमर बैटरी उठा लीजिए, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जेल का होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी में ऐसा कोई संकट नहीं है। सॉलिड स्टेट बैटरीज आर फाउंड यूज इन पेसमेकर, आरफीड, वियरेबल डिवाइसेस। दे आर पोटेंशियली सेफ, ये सेफर है विद ए हायर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इसका अच्छा खासा है, लेकिन इसका कोर्स ज़्यादा, सबसे दिक्कत यही है, इसकी कीमत ज़्यादा है थोड़ी सी। सॉलिड स्टेट बैटरी कैन इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट एरिया। अपना एनर्जी डेंसिटी जो है इसका इंक्रीज किया जा सकता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से। सिंस ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ बैटरीज आर नीडेड, बहुत कम नंबर ऑफ बैटरीज की जरूरत होती है। फॉर दैट रीजन, इसी कारण बस, सॉलिड स्टेट बैटरी इज परफेक्ट टू मेक एन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम ऑफ मॉड्यूल एंड पैक विच नीड्स हाई कैपेसिटी। चैलेंजेज टू द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द इंक्लूड एनर्जी एंड पावर डेंसिटी, एक तो एनर्जी और पावर डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी, मटेरियल कॉस्ट, सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। क्या क्या इसके चैलेंजेज हैं अभी इसको अडोप्ट करने में, तो एक तो एनर्जी एंड दूसरा पावर डेंसिटी। ड्यूरेबिलिटी, इसका काम कब तक करेगा, कितना महीना चलेगा एक बार रिचार्ज करने पर। मटेरियल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिविटी है, स्टेबिलिटी इसकी पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डेटा से, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा बिग डेटा का। ड्रग डिस्कवरी, एबनॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न एनालिसिस, डिजीज पैटर्न एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज राइट हियर। डेटा वास्तव में होता क्या, पहले ये समझिए। डेटा आज का जो है ना, वास्तव में कह सकते हैं कि डेटा इज फूड, डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज ए इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के वो डेटा भरो और डेटा के माध्यम से वो डेटा एनालिसिस करेगा और कुछ नया आउटपुट निकालेगा। दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेजेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अदर टाइप्स ऑफ डेटा। आपने टाइप किया ABCD क लिखा, उसके बाद आपको आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा चीज दिखेगा जिससे आपके मन भर जाएंगे। बिग डेटा इज ऑल्सो अ डेटा बट इट इज ए ह्यूज साइज, सच एज डेटा इज सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दैट वन दैट नन ऑफ द ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स आर एबल टू स्टोर इट और प्रोसेस इट एफिशिएंटली। बिग डेटा का सबसे बड़ा समस्या क्या है, इतना बिग होता है, इतना बड़ा होता है कि ट्रेडिशनल डेटा की तुलना में इसको स्टोर करना, इसको प्रोसेस करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही दिक्कत है। तो बिग डेटा एनालिसिस में रिटेल कंज्यूमर के रूप में, फाइनेंशियल फ्रॉड सर्विस के रूप में फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंस एंड फ्रॉड सर्विसेज, वेब एंड डिजिटल मीडिया, हेल्थ एंड लाइफ साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस, देख ही रहे हैं कितना विस्तार से इसका इस्तेमाल हो रहा है। अमोनिया के बारे में पूछा जा रहा है। अमोनिया नेचुरली प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में और सीक्रेटेड बाय द किडनीज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। इट इज हाईली सोलबल इन वाटर एंड इन फाउंड इन सोइल एंड एयर। इट इज क्रिटिकली इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम सिंथेटिक केमिकल प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। सब के सब सही है। अमोनिया जो है विच इज हाईली सोलबल इन वाटर, फाउंड इन सोइल, एयर, वाटर। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन बॉडी, रिटेड बाय द किडनी टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और किडनी के द्वारा इसको न्यूट्रल मतलब निकाल दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो एसिड की एक्सेस मात्रा को न्यूट्रलाइज कर दें, क्योंकि अमोनिया तो बेसिक होता है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, इट इज़ हाईली डाइल्यूटेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा पेट में निकला या फिर एसिड बहुत कम होता है, डाइल्यूटेड होता है वैन इन द इन्वायरमेंट highly diluted when in environment में निकलता है and does not affect the human body। देखते हैं आप जहाँ पेशाब करते हैं या फिर जहाँ पर पशुपालन होता है, गाय मुक्ति है, तो वहाँ पर महकता है ना कुछ, वो अमोनिया है, वो diluted फॉर्म में है, उसका कुछ ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। अमोनिया इज ए क्रिटिकल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन खाद बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। और मान लीजिए कि
वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम सिंथेटिक केमिकल प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी खाद उत्पादन होते हैं उसमें से इसका बहुत बड़ा योगदान है। मोर देन 80% अमोनिया मेड इज कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जितना अमोनिया का उत्पादन होता है उस अमोनिया का 80% तो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर बनाने में लग जाता है और 20% का इस्तेमाल फॉर्मल्डिहाइड बनाने में लगता है। तो सत्यमेव जयते यूपीएससी फियर मैं खत्म करके रहूंगा। 2 से 2.5 महीने में हम लोग इतने प्रश्न सॉल्व करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट है लगभग लगभग आपके दिमाग में रहेंगे, ताकि आपके प्रश्नों का जो सही करने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ता जाएगा। बने रहिए चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।